रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। रूल नंबर वन, अगर ये क्यू वन है आर डिस्टेंस पे, अगर मैं कहूँ पोटेंशियल निकालो तो 1/4πε0 क्यू वन बाई आर, ये पोटेंशियल किसने लगाया? क्यू वन ने। डन। क्यू वन क्यू टू है, आर डिस्टेंस अपार्ट है, तो एनर्जी क्या है सिस्टम की? 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू बाई आर। ठीक, ये एनर्जी किस पॉइंट की आई बोलो, लेफ्ट पॉइंट की कि राइट पॉइंट की? ये एनर्जी लेफ्ट की कि राइट की? सिस्टम की। ये एनर्जी आई क्यू वन क्यू टू की, लेफ्ट पॉइंट की कि राइट पॉइंट की? दोनों की, दोनों की। एनर्जी किसी पॉइंट की नहीं निकलती, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की निकलती है, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, बस एनर्जी है टोटल। ठीक, पोटेंशियल पॉइंट पे निकलेगा, फील्ड पॉइंट पे निकलेगा, फोर्स पॉइंट पे निकलेगी, एनर्जी पॉइंट पे नहीं निकलेगी, एनर्जी सिस्टम की होगी। ठीक है, यहाँ तक तो V और U आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 2/1 डिवाइड करके ये रिजल्ट आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब ये लगेगा कैसे, ये देख लो। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में दो चार्जेस दिए Q1 Q2 और मैंने r डिस्टेंस दिया और मैंने ये पूछा इनकी एनर्जी निकाल लो, आपने बोला 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r, आंसर बिल्कुल सही। फिर मैंने सेम क्वेश्चन पूछा कि मैं आपको, और मैंने कहा कि मैं आपको Q1 नहीं दूंगा इस बार, Q2 दे दूंगा, Q2 दूंगा, Q1 नहीं दूंगा, हाँ लेकिन Q1 ने कितना पोटेंशियल लगाया यहाँ पे वो दे दूंगा। Q1 ने यहाँ पोटेंशियल लगाया कितना? V। तो मैं ये बोलूँगा मैं सिस्टम की एनर्जी फिर भी निकाल सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे जो चार्ज पड़ा हुआ है Q2 को यहाँ के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई, पर ये पोटेंशियल Q2 का नहीं है, ये पोटेंशियल Q1 का है। तो अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँ, ये देखो चार्ज Q2 इंटू V, तो क्या जाएगी? एनर्जी। तो जैसे आप केमिस्ट्री में भी करते हैं और फिजिक्स में बहुत करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को 12 वोल्ट पोटेंशियल दिया, किसी चार्ज ने दे दिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी मिली? चार्ज क्या है? ई। पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट। तो क्या आ गई? एनर्जी। तो इसको लिखेंगे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केमिस्ट्री में सुना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स होते हैं एनर्जी के, यहां से आए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट केमिस्ट्री का रिजल्ट है। तो आपने ये भी सुना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का इसके इक्वल होता है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन इज गिवन अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल दो, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? ई इंटू 10 वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट करना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई जूल आ गया, इसको इक्वल करना है 1/2 mv², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, यहाँ से वेलोसिटी निकल सकती है। ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है यहाँ तक?